तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोगों को सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो अलर्ट मोशन से इस तरीके से जो मेरा वीडियो का फर्स्ट स्टार्टिंग में जिस तरीके से स्टेटस देखा, आप सबको भी कुछ इस तरीके से स्टेटस में लेके आ चुका हूँ। तो आप मेरे स्टार्टिंग में जिस तरीके से स्टेटस देखा है, कुछ इस तरीके से स्टेटस आप लोगों को मैं बनाना सीखने वाला हूँ। तो अलर्ट मोशन से आप इस तरीके से स्टेटस किस तरीके से बनाओगे, तो बीट मार्क मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पी सेट भी आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपके पास अलर्ट मोशन नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से जाकर के अलर्ट मोशन आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो अभी चलिए, मैंने बिना किसी देरी के वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन टेक्नो यूट्यूब चैनल। तो अभी तक मेरे भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, जो मेरा जो यहाँ पर अलर्ट मोशन ऐप है मैं ओपन करके लिया हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे जिस वाला बीट मार्क प्रोजेक्ट को डाउनलोड किया है उसको अभी यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही आपको दिखाई देगा जो बीट मार्क प्रोजेक्ट है, इसमें अभी क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक आप लोगों को वीडियो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, वीडियो एंड इमेज पर क्लिक करना है, व्यू ऑल पर क्लिक करके यहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको जा करके यहाँ से ऐड कर लेना होगा। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप लोगों को मैं आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। कुछ इस प्ले पर आपको क्लिक करना है तो आपको जो अगले प्रोजेक्ट का ऑप्शन है वहाँ पर आपको आ जाएगा। तो इस वाले पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसमें अभी इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको स्प्लिट कर देना होगा। यहाँ पे स्प्लिट कर देने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्लाइड करोगे, थोड़ा सा इस तरीके से स्लाइड करोगे तो यहाँ पर आपको एक फ्रेम जो यहाँ पर एक दिखाई देगा बीट, यहाँ पर खाली बीट आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अभी देख सकते हैं कुछ इसको अभी थोड़ा सा आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है, कुछ इसको भी इस तरीके से थोड़ा सा आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है। इसको अभी जो है इसको अभी इस तरीके से ट्रिम टू अभी आपको जो आगे का जो इच्छा है इसको भी ट्रिम कर देना होगा। तो इसको तो इस तरीके से अभी कुछ इस जगह पर आपको आना होगा, फर्स्ट बीस्ट में आपको आना होगा। तो इसको आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करोगे, इस जगह पर आपको क्लिक करना है। जो बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा इसको अभी इस तरीके से डिलीट कर देना होगा। तो इतना हो जाने के बाद अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप किस तरीके से जो है यहाँ पर कुछ इस वाले बीट मार्क पर आ जाना होगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको फोटो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक एक करके आप लोगों को फोटो आपको सेलेक्ट करना होगा कुछ इस तरीके से, जो आप लोगों को जिस वाले फ़ोटो को आपको यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद इस वाले आप ये थ्री डॉट पर क्लिक करना है, एक कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिल स्क्रीन करके इसको अभी कुछ इस जगह पर आपको क्लिक करना है, जो आपका अगली बीट मार्क है वहाँ पर आपको पहुँच जाओगे। तो इसको अभी जो बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा इसको डिलीट कर देना है। कुछ इसी तरीके से जो है ये आप लोगों को फिर से आप लोगों को इमेज एंड वीडियो वॉल पर जाना है। जाने के बाद फिर से आपको और आप लोगों के एक फ़ोटो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। कुछ इसी तरीके से जो है ये आप लोगों को कुछ इस जगह पर आपको क्लिक करना है, फिर से जो आप लोगों का अगली बीट मार्क है वहाँ तक आपको पहुँच जाओगे। तो फिर से आप लोगों को कुछ इस तरीके से जो है ये आप लोगों को फोटो एंड वीडियो पर जाना है, ऑल पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको एक एक करके आप लोगों को फोटो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से बीट मार्क के हिसाब से ही इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जिस फोटो आपका एडजस्ट नहीं है तो थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन पर कर देना है। कुछ इस जगह पर आपको क्लिक करना है जो ये आप लोगों का अगली बीट मार्क है वहाँ तक आपको पहुँच जाओगे। जो बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा इसको डिलीट कर देना होगा। कुछ इसी तरीके से फिर से आप लोगों को फोटो एंड इमेज पर जाना है, व्यू ऑल पर जाना है। कुछ इस तरीके से फिर से आप लोगों को एक फोटो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। कुछ इसी तरीके से जो है आप लोगों को फोटो एंड वीडियो पर जाकर के कुछ इस तरीके से लेना है। जो आपको फोटो एडजस्ट नहीं है तो थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा तो फिल स्क्रीन का, इसको फिल स्क्रीन करके ले लेना है। कुछ इसी तरीके से जो आप लोगों को जितने सारे आप लोगों को फोटो है यह भी इस तरीके से ऐड करना है। तो ऐप में जो ये काम है मैं जल्दी से कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगा, तब लोगों को फिर बोरिंग फील होगा।
कुछ इस तरीके से जब देख सकते हैं। तो आप लोगों को मैं एक बार जिस तरीके से दिखा दिया हूँ, कुछ यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जो आप लोगों का अगली बीट मार्क है यहाँ तक आपको आ जाओगे। तो इसको अभी कट करने के लिए यहाँ फोटो के ऊपर क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा इसको इस तरीके से डिलीट कर देना है। तो आप लोगों को इतना जितना भी इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस वाले पर आपको फोटो नहीं ऐड करना है। तो कुछ इस जगह पर आपको फिर से आपको यहाँ पर आपका आना होगा कुछ इस जगह पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप लोगों को बीट नज़र आ रहा है कोई इस तरीके से लास्ट तक आपको फोटो ऐड करते हुए जाना है। तो ये जो मैं काम है मैं तुरंत से कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो जो है बहुत ही लंबी हो जाएगा। तो जैसा कि साथियों अभी देख ही सकते हैं जो मेरा जो ये काम है मैं कर लिया हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, इसमें अभी इफेक्ट आपको ऐड करना होगा। तो इस वाले फोटो के ऊपर आपको इफेक्ट ऐड करना है। तो उसके लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जिस प्रीसेट लिंक आपको डाउनलोड करके रखा है उसको अभी यहाँ पर इनपुट कर लेना है। लेने के बाद इस वाले को आपको यहाँ पर ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद अभी आपको जो फर्स्ट वाला जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। कुछ इस जगह पर आपको इफेक्ट पर क्लिक करना होगा। इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉफी इफेक्ट। तो यहाँ पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से आपको बैक चले आना होगा। अभी तो आप ये इस तरीके से आपको बैक चले आना होगा। तो अभी देख सकते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर अभी ओपन करना होगा। तो इसको ओपन करने के बाद आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से जो है मेरा अभी ये हो रहा है। तो कुछ इस जगह पर आपको आना होगा। आने के बाद अभी आपको क्या करना है, इस वाले फोटो पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट आपको कर देना है। कुछ इस तरीके से जो ये आप लोगों को फोटो है ये इस तरीके से आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो ये आप लोगों को कितने तक आपको करना है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। कुछ यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फिर से आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट आपको कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद कुछ यहाँ पर आपको कर देना है। तो जितने तक आपको वीडियो है, जितने तक आपको वीडियो रहेगा उतने तक ही आप लोगों को ये कर देना होगा। तो अभी देख ही सकते हैं तो कुछ इस जगह पर आपको कर देना है, तो कुछ इस जगह पर आपको करना होगा। तो आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर आपको कर देना है, कुछ इस तक आपको कर लेना होगा। तो इसको अभी इस तरीके से कर लेना है। तो ये जो मैं काम है मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो गाइस इतने तक आपको हो जाने के बाद अभी आपको क्या करना है, अभी आपको फिर से आपको बैक चले आना होगा। आने के बाद फिर से आप लोगों को मेरे जो प्रीसेट हुआ लिंक है उसको ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको दूसरे इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको इफेक्ट पर चला जाना है, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कॉफी इफेक्ट आपको कर लेना होगा। तो लेने के बाद फिर से आप लोगों को बैक चले आना होगा। बैक आने के बाद आप लोगों को फिर से मेरे जो दिए हुए लिंक है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मेरा जो दिए हुए लिंक है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है ये आप लोगों को मैंने जो बनाया है ये आप लोगों को किस तरीके से होगा। तो आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, सॉरी ये नहीं है, तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कुछ। इसको अभी यहाँ पर आपको ये जो है इसको कॉपी करने के बाद अभी आपको मेरा जो ये है प्रोजेक्ट है आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको क्लिक करना है। कुछ वहाँ पर जो मैं टेक्स्ट वाला जो पीएनजी है इसको ऊपर जो है इसको जो छोटा छोटा फोटो नज़र आ रहा है तो इसको ऊपर क्लिक करना है। इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना होगा कुछ इस तरीके से। जो जितने आप लोगों को छोटा छोटा फोटो नज़र आ रहा है तो इसमें जाना है, इफेक्ट पर जाना है, कॉफी इफेक्ट पर जाना है, इसको अभी पेस्ट कर देना होगा कुछ इसी तरीके से। जितने आप लोगों को यहाँ पर छोटा फोटो नज़र आ रहा है इसमें आपको इस वाले इफेक्ट को अभी यहाँ पर आपको दे देना होगा। तो कुछ इसी तरीके से तो आप देख ही सकते हैं। तो मैं जैसे कर ले रहा हूँ कुछ इसी तरीके से आप लोगों को सेम टू सेम आपको कर लेना होगा, तब भी आप लोगों को कुछ इस तरीके से स्टेटस बना पाओगे, नहीं तो आप लोगों को इस तरीके से स्टेटस आप नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पर अभी देख ही सकते हैं तो मैं जैसे कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से।
तो इतना हो जाने के बाद अभी आपको क्या करना है, इस वाला जो बर्फ हटा नजर आ रहा है इस पे फिर क्लिक करना है, इसको फिर इस वाले इफेक्ट को अभी यहाँ पर कर देना है। तो इसके बाद अभी जितने आप लोगों को फोटो यहाँ पर बचा हुआ है तो इस फोटो में आपको दूसरे इफेक्ट आपको लगा लेना है। तो फिर से आप लोगों को बैक चले आना होगा, मेरा जो प्रोजेक्ट का लिंक जो प्रीसेट का लिंक दिए हुए है उसको ऊपर क्लिक करना है, ये लास्ट में चले आना होगा, इफेक्ट पर जाना है, इसको थ्री डॉट पर क्लिक करोगे इसको तो अभी आपको यहाँ पर कॉपी जो इफेक्ट आपको कर लेना होगा। फिर से आप लोगों को बैक चले आना है, तो आप लोगों को बैक आने के बाद आपको फिर से मेरे दिए हुए लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अभी आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको फिर से उस जगह पर आपको चले जाना होगा जिस जगह पर मैं इस वाले जो अभी लगाया हूँ कुछ इस तरीके से, कुछ इस जगह पर। तो यहाँ पर आने के बाद इसके बाद अभी जो ये फोटो बचा हुआ है इस फोटो में आपको इस वाले इफेक्ट को यहाँ पर आपको ऐड कर देना होगा, पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। जितने आप लोगों को जिस तरीके से अभी अभी जो है ये आप लोगों को करके दिखाया है कुछ इस तरीके से जो है इसको अभी पेस्ट करते हुए जाना ही है। तो ये जो मैं काम है आप लोग के सामने में कर लेता हूँ। तो कैसे इतना हो जाने के बाद अभी आपको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों को वीडियो जो है ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो अभी आपको फिर से मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जिस वाला जो लाइटिंग इफेक्ट का लिंक आपको डाउनलोड करके रखा है उसको अभी यहाँ पर आपको इंपोर्ट कर लेना होगा। उसके उससे पहले आप लोगों को एक और आप लोगों को ये ले लेना है, ये जो आप ये शेडो वाला जो इफेक्ट है ये आप लोगों को लेना होगा। तो उस ये जो शेडो वाला है इसको अभी इस तरीके से लेना है। लेने के बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किस तरीके से ये आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। कुछ इस जगह पर आपको यहाँ पर कर देना होगा कुछ इस तरीके से। इस तरीके से कर देने के बाद यहाँ पर आपको उसको ओके कर देना है। उसको यहाँ पर ब्लेंडिंग पर जा कर के यहाँ पर लाइटिंग पर जा कर के यहाँ पर लाइट कलर कर देना होगा। तो यहाँ तक आपको कर देना है। फिर से आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करके वीडियो एंड इमेज पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से यहाँ से ये जो भोजपुरी ये जो टेक्स्ट है ये आपको ले लेना है। लेने के बाद यहाँ पर आपको मिडिल में आपको अच्छा से इसको एडजस्ट कर देना होगा कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। तो देने के बाद आप लोगों को देख सकते हो किस कितनी अच्छा शानदार देखने को मिलता है इस वाले कुछ इस तरीके से। तो अभी देख सकते हैं इसको जो ड्यूरेशन है इसको अभी वीडियो का आपको लास्ट तक आपको जरूर ये कर देना है, लास्ट तक दे देना है यहाँ पर इस तरीके से। तो इसको देने के बाद आप लोग को मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ मेरा वीडियो फाइनली गाइस किस तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो आप लोगों को मैं एक बार इस वीडियो को मैं दिखा दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से जो है ये आप लोगों का वीडियो आप लोगों को दिखाई देगा। तो अभी देख सकते हो बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा इस तरीके से, स्टेटस अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है। तो मेरा वीडियो आप लोग को ज़्यादा से भी पसंद आया होगा इस वीडियो का एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतने ही, फिर से मिलेंगे एक नए अपडेट साथ। जय हिंद, जय भारत।